सो हेलो व्हाट्स अपनिंग गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सभी का केयर गेमिंग की यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ केयर गेमर और मैं हूँ फलाना के साथ। और ड्रीम्स लैंड में आज पहली बार हम दोनों अकेले खेल रहे हैं, बिकॉज हमें कुछ कह सकते हो कुछ खुफिया काम करना था। खुफिया एक बेस बनाना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल है। सो गाइस, आई होप प्लीज़ आप ये किसी को बताना मत कि हमने खुफिया बेस बनाने वाले। प्लीज़ हम लोग ये छुप छुपा के बना रहे हैं। और मुझे भी पता है ड्रीम्स लैंड की वीडियो कुछ टाइम बाद ही आ रही है। और भाई, ड्रीम्स लैंड अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब से हमने वो कर्स हटाने वाला पोशन यूज़ किया था। तो पता नहीं तब से फिर क्या हो रहा है, मतलब लिटरली भाई मिस्टर डॉट भी नहीं है। और फुजैल का तो भाई सीन ही पता नहीं है। फुजैल का एक्चुअली एग्जाम चल रहा है, इसके लिए वो आ नहीं पा रहा है कुछ ज़्यादा वीडियोस में। बट अभी तक गैस बता दूँ उसका कर्स हटा नहीं। और ये क्या मस्ती कर रहा है यार, ये क्या ही मस्ती कर रहा है, स्किन चेंज पे चेंज कर रहा है ये बंदा अपनी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गैस चलो यार, मैं कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट आउट करना नहीं चाहता। मैंने जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे जो हमें सीक्रेट बेस बनाना है उसके लिए, मैंने मटेरियल सारे गैदर कर चुका हूँ। और मैं लिटरली गाइस बोल रहा हूँ, बड़े टाइम बाद आया हूँ वापस से। नहीं यहाँ पे, हाँ ये रहा गाइस स्टोन, यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। लिटरली यार बड़े टाइम बाद आया हूँ ड्रीम्स लैंड के अंदर भाई, कसम से भाई बहुत टाइम बाद आया हूँ। मैं पहले से ही मेरी इन्वेंट्री एडजस्ट कर लेता हूँ कि मेरे को फिर बाद में एडजस्ट ना करना पड़े, क्योंकि स्टोन की रिक्वायरमेंट बहुत सारी है। मैंने स्टोन्स, कॉबल स्टोन्स बहुत कलेक्ट करके रखे हुए हैं मैंने मेरी चेस्ट के अंदर। सो जल्दी से जल्दी उसको ले लेते सारे मटेरियल्स, कहीं यही वाली कहीं चेस्ट में पड़े थे। हाँ देखो ये रहे। सो गाइस सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दोबारा से घर के बाहर मिलता हूँ। सो गाइस ये पता नहीं किसी ने मेरे घर के नीचे कुछ सीक्रेटली कुछ बनाया है, और मेरे को यहाँ से कुछ रियल दिख रही है। आई थिंक सो स्वॉर्ड हार्ट में रख के लगा, ये भाई मिस्टर डॉट की करामत हो सकती है। भाई ये क्या बना के रखा है, ये स्मेल्टिंग का कुछ बनाया। हाँ ये पता नहीं किसने बनाया है भाई, ये फलाना तूने बनाया है क्या, ये मतलब है क्या, ये मतलब सीरियसली ये है क्या भाई, ये मेरा विलेजर ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे हुआ करता था। हाँ ये रहा देखो, और ये मेरे विलेजर ट्रेडिंग हॉल से भी नीचे है, ये भाई बनाया किसने, और इतना दिमाग आ किसके पास गया भाई, वो आ किसके पास गया, मैं वही सोच रहा हूँ। एक तो ट्राइडेंट भी नहीं है मेरे पास, एक्चुअली मैं लेके आया था। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो भाई आ चुके ऊपर। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया, ये सीक्रेटली मेरे घर के अंदर किसने बना लिया, ये मैंने भी नहीं बनाया भाई, मैंने कहाँ किया भाई। तू रहने दे, अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी आ, बाहर आ जल्दी फटाफटा। सो गाइस फाइनली हम लोग घर के बाहर आ गए, और हम हमारे झंडे को सल्यूट करेंगे। यहाँ पे रूल है भाई, जो भी यहाँ पे आएगा वो पहले सल्यूट करेगा। और अब गाइस हम लोग जा रहे हैं जगह ढूंढने हमारे सीक्रेट बेस के। और ये नमूना यहाँ क्या कर रहा है तो भाई, तू मर जा यार, तेरा तू ढंग से काम भी नहीं करता। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, मतलब तेरी भैंस की टेंट मारूं। सो गाइस हमारा सबसे अभी पहला काम है कि हमें एक अच्छी जगह ढूंढनी है जहाँ पे किसी को पता ही ना चले कि हमारा बेस कहाँ है। और हमने वो जगह एक्चुअली ढूंढ ली है, वो एक्चुअली जगह है वो हिडन केव जो हम लोग ने बताई थी। तो गाइस मैं वहाँ तक का लोकेशन नहीं बताने वाला, फटाफट मैं वहाँ पर जाके आपको मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग केव के अंदर आ चुके हैं, और मैंने एक्चुअली वो सारा चीज़ें काट दी, बिकॉज मैं वो दिखाना नहीं चाहता था कि हमारी लोकेशन, मतलब हमारे बेस की लोकेशन किसी को पता चले, इसके लिए मैं वो नहीं बताना चाहता था। सो मैं फटाफट से हम लोग यहाँ पे पहले थोड़ा खोद देते हैं ढंग से, कि मतलब एकदम प्रॉपर सा लगना चाहिए कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, बेस बनने के लायक हो चुका है। सो मैं इसको फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, तो पूरा एक अच्छा सा लगने लग जाता है, हाँ स्क्वायर प्रॉपरली बन जाता है, फिर मैं वीडियो पे आ जाऊँगा, ठीक है। सो फाइनली गाइस ये एक छोटा सा हम लोग ने टनल बना लिया है, एंड इसको हम लोग देखते हैं 3x3 या 4x3 का जैसा कुछ करने वाले हैं। और गाइस प्लीज़ यार आप लोग इसकी लोकेशन मत बता देना गाइस किसी को भी, बिकॉज ये हम लोग का जो स्पेशल बंकर है, हम लोग इसमें मैं और फलाना बहुत सारी चीज़ें रखने वाले हैं। सो गाइस प्लीज़ यार आप लोग के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बता मत देना। सो गाइस अभी तो यहाँ ही हम लोग यही करने वाले हैं, फटाफट से इसको खोदने वाले वगैरह वगैरह।
तो इसका पूरा कंप्लीट होता है फिर हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि आज की वीडियो ड्रीम डिजाइन की स्पेशली मैंने और फलाना ने इसके लिए ही बनाई थी, और ये वीडियो किसी को भी नहीं बताती कि हम लोग ये बनाने वाले हैं। ये मैंने और फलाने ने सीक्रेटली प्लान किया था कि भाई हम लोग ये ऐसा करने वाले हैं, तो तू आ जाना, ठीक है। तो पूरा परफेक्टली हो जाता है गाइस, शेप में आ जाता है, फिर वापस से मैं वीडियो रिज्यूम कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस फाइनली हमारा फर्स्ट रूम कंप्लीट हो चुका है, एक्चुअली ये फर्स्ट रूम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूम हमारा कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग ने जो भी ग्रेवल्स थे वो सब थे, हम लोग ने उसको स्टोन और ऐसे कुछ स्टोन से हम लोग ने रिप्लेस कर दिया है। तो ये गाइस हमारा रहने वाला है पहला रूम, जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कुछ मीटिंग हॉल बना तो मीटिंग हॉल, या नॉर्मल हॉल, या तो फिर सेकेंड, या तो हम लोग वो बना सकते हैं मीटिंग, या कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। सो ये रहा गाइस हमारा फर्स्ट रूम, ये ऐसा लगेगा। भैया फलाना तो क्यों बार बार चेंज कर रहा है यार। सो मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आई थिंक सो, या तो फिर मैं यहाँ पे एक और रूम बना रहा हूँ। यहाँ पे एक रूम होने वाला है और जो ये मीटिंग हॉल से दूसरा रूम एक कनेक्ट करेंगे। तो गाइस इसको भी खोद के मैं फटाफट मिलता हूँ आप। सो गाइस फाइनली हमने ये रूम भी खोद दिया है, बट अब मैंने ये डिसाइड किया है कि भाई हम लोग ऐसी जगह पे तो हमारे आर्मर्स, मतलब मैक्स एन्चेंटेड आर्मर्स तो रख नहीं सकते। सो मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसी जगह, यहाँ से ही मैं नीचे डिग डाउन करने वाला हूँ -50 तक, जहाँ पे हम एक बहुत ही ख़तरनाक रूम बनाने वाले हैं, जहाँ पे मेरा और फलाना का ख़तरनाक वाले आर्मर रहने वाले हैं। सो गाइस -50 हम लोग वो हमारे पुराने हॉल वाले से ही लेके जाने वाले। अरे यार मैं भी पगलेट इंसान, पानी नहीं डाला मैंने, बट लेट इट बी। मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ जिससे मेरे पास लाइट रहेगी। सो -50 तक जाने का इस, मतलब समझ लो डायमंड लेवल तक, मतलब डायमंड के लेवल तक जाना है। सो गाइस फाइनली हम लोग -50 लेवल तक आ चुके हैं, और मैं अब ये यहाँ से ही मतलब पूरा का पूरा एक ऊपर की तरह एक टाइप का एक रूम बनाने वाला है, और हम लोग ऑब्सीडियन भी लेके आए, तो ये वाले रूम को हम लोग एकदम ऑब्सीडियन से कवर करने वाले हैं। बट यहाँ पे दो टाइप के आर्मर रहेंगे, एक नॉन एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर, डायमंड आर्मर, और दूसरे रूम उसके पास ही होगा जो भाई कैमोफ्लाज हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा उधर। तो वहाँ पे हमारे मैक्स एन्चेंटेड आर्मर लगेंगे, और भाई फुल सिक्योरिटी रखने वाला हूँ, ऐसा तो करने नहीं वाला कि भाई मतलब यूँ किसी को मिठाई मिल जाए। तो मैं फुल मतलब ये ऐसी जगह बनाया ना हम लोग ने, किसी को पता ही नहीं चलने वाला है। ये एक सीक्रेट केव है जो मेरे को और फलाना को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता पूरे ड्रीम्स लैंड के अंदर। और भाई मिल भी जाएगी ना तो ये केव जहाँ पे हम लोग ने ये बनाया ना, वो केव कहीं पे भी नहीं मिले, क्योंकि जो मेन केव है ना, मेन केव के अंदर से करीबन 12-13 केव जाती है, और उसके अंदर भाई ये केव तो किसी को पता ही नहीं चलने वाली है कि ये केव कौन से नंबर की है, ठीक है। तो भाई ये बहुत मुश्किल से मिलने वाला है, काश हम लोग इसका भाई हम लोग इसका लोकेशन ना भूल जाए। सो गाइस ये भी मैं फटाफट से खोद के मिलता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये करने जाऊँगा तो बहुत सारा टाइम निकलने वाला है। सो मैं इसको फटाफट खोद के मिल। सो गाइस बीच में मेरा और फलाना का कम्युनिकेशन टूट गया था, बट आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हम लोग ने कितना अच्छा खासा साफ कर चुका है। वो बीच में हेल्प करने आ गया था मेरी, बट भाई बहुत सारा कचरा हो चुका है यार यहाँ पे, मतलब लिटरली यार, मतलब ख़तरनाक कचरा हुआ है, पता नहीं इसको कैसे हटाने वाला, बट गाइस अजू भी बहुत सारा बाकी है, तो इसको भी फटाफट तोड़ लेते हैं। वो एक्चुअली गाइस हमारा बीच में कम्युनिकेशन टूट गया था, सो फलाना एक्चुअली बीच जल्दी आ नहीं पाया था हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। सो भाई आप कचरा देख सकते हो भाई कितना सारा हो चुका है। सो गाइस फाइनली हमारा जो भी हम लोग थोड़ा बहुत साफ कर दिया है, हम लोग ने अप्रॉक्सली इसको समझो 12x12 का हम लोग ने इसको करके रखा है, 12x12 बनाया है, और जो और भी मतलब समझो 5-6 ब्लॉक और एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब 12 तो 13, 14, 15, 16, 17x17 का हम लोग करने वाले हैं इसको, तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब इन शॉर्ट बहुत बड़ा करने वाले हैं यार, बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो गाइस ये भी हमें तोड़ना है, मैं इसका ब्लॉक काउंट कर लेता हूँ कि मैं वो दूसरी साइड से प्रॉपरली फटाफट आ सकूँ। काउंट कर लेता हूँ कितना है, एक सेकेंड, यहाँ से आना है मेरे को, हाँ बस ये यहाँ से ही आना है। टॉर्च भी तोड़ दी मैंने, एक सेकेंड यहाँ टॉर्च लगा देता हूँ, एक सेकेंड वहाँ से काउंट कर लूँ मैं, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स है ना, तो मैंने कितने तोड़ दिए, 4 एक्चुअली। ये भाई तुमने तोड़ दिया क्या? तो गाइज इसको भी साफ़ कर देते हैं, तो हमारा 17x17 का रेडी हो जाएगा पूरा ये रूम।
और यहाँ पे गाइस इसको हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं ऑब्सिडियन से। हम लोग ऑब्सिडियन लेके आए थे, फलाना के पास करीबन 3 या 4 स्टैक ऑब्सिडियन पड़ा हुआ है, सो हम लोग ये पूरा ऑब्सिडियन से कवर करते हैं। अगर लगता है कि वो ऑब्सिडियन से नहीं होता, सो मैंने डिसाइड करके रखा है कि पहला जो ये रूम है ना, ये पूरा ऑब्सिडियन से कवर करना है। कुछ भी हो जाए हम लोग और ऑब्सिडियंस लेके आ जाएंगे। और दूसरा जो रूम होगा जहाँ पे हमारा फुल्ली एन्चांटेड नेदरराइट आर्मर या तो फिर डायमंड आर्मर होंगे, वो पूरा मैं कैमोफ्लाज करने वाला हूँ ब्लैक कॉन्क्रीट से, जो कि मैं पागल इंसान भूल चुका हूँ घर पर। ठीक है, वो मैं घर पर भूल चुका हूँ, बट कोई वरीज नहीं है, मैं वो लेके आ जाऊँगा। मैं स्टोन ही सिर्फ उठा के लेके आ गया हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा ये पूरा रूम तैयार हो चुका है। सो गाइस इसको हम लोग पूरा डेकोरेट करके मिलता है। मैं ब्लैक कॉन्क्रीट लेने जा रहा हूँ, तब तक फलाना इसको पूरा ऑब्सिडियन से कवर कर लेगा। सो गाइस हमारे साथ एक लफड़ा हो गया, क्योंकि हमारा जो भी ऑब्सिडियन था और मेरे पास जो ब्लैक कॉन्क्रीट था, वो लिटरली पता नहीं कहाँ चला गया है। सो हम लोग ये सब डेकोरेट कर नहीं सकते, बट हम लोग ने इतना कर दिया। सो आई थिंक इसका हम लोग नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे, मैं और फलाना, जिसके अंदर ये पूरा हम लोग डेकोरेट करके रखेंगे। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आएगा। अगर मज़ा तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय।